वेटरन एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी की आई अनदेखी तस्वीरें सामने। जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी सुरेखा सिकरी। फेमस हुई दादी नानी के किरदार से, लेकिन इंडस्ट्री में दिए अपने कई साल, जीता सभी का दिल। नेशनल अवार्डी वेटरन एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी का आज निधन हो गया है। वेल बेहतरीन कलाकारों में से एक, टेलीविजन और बिग स्क्रीन दोनों पर ही अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो चलिए आज सुरेखा सिकरी जी को याद कर आपको दिखाते हैं उनकी जवानी के दिनों के कुछ अनसीन पिक्चर्स। डालिए एक नजर इन अनदेखी तस्वीरों पर। वेल, सुरेखा सिकरी की फिल्मोग्राफी की बात करें तो उन्होंने अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमस, ममो, सलीम लंगड़े पे मतरो, जुबैदा, परिणती, नजर, लिटिल बुद्धा, नसीम, सरदारी बेगम, सरफरोश और बधाई हो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। और डेली सोप्स की बात करें तो बालिका वधू में निभाए उनके दादी सा के किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। आपको बता दें, इतनी उम्र दराज होने के बाद भी सुरेखा जी ने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया था, बल्कि आखिरी बार 2020 में रिपोर्टेडली नेटफ्लिक्स की एक फिल्म गोस्ट स्टोरीज में नजर आई थी। तीन बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सिकरी को आज के दर्शकों ने हमेशा दादी के रोल में देखा है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में सुरेखा सिकरी रिपोर्टेडली साल 1978 से एक्टिव हैं। साल 1978 में सुरेखा जी ने राजनीतिक ड्रामे पर आधारित फिल्म किस्सा कुर्सी का से करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई सारी हिंदी और मलयालम फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में काम किए। इनमें बालिका वधू के अलावा एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल, सात फेरे, बनेगी अपनी बात और केसर शामिल है। सुरेखा सिकरी जी के निधन से हर कोई मायूस है। आखिर वो कैरेक्टर में जो जान डाल देती थी, अपनी एक्टिंग से उसका हर कोई कायल था। हम उम्मीद करते हैं कि सुरेखा जी की फैमिली इस कठिन समय में स्ट्रांग रहे, और आप भी अपने हार्टफुल मैसेजेस सुरेखा जी के लिए नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं।